नमस्कार दोस्तों, आज से हम ट्रांसफार्मर के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और हो सकता है कि ये सेशन इससे पहले के कुछ सेशंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी हो, और जिसका रीजन ये है कि इस सेशन में हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आप बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का, वो मैंने अपना जो वीडियो सेशन था सीटी स्टार पॉइंट्स कैसे फॉर्म करते हैं, इस सेशन के अंदर बताया हुआ है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए किस टाइप से हम कनेक्शंस करते हैं। और आज के सेशन में हम मेन कंसेप्ट की बात करेंगे, जहां पर कि हमारा सबसे पहला है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो काम करता है मर्ज प्राइस करंट कंपेरिजन इस प्रिंसिपल के ऊपर। और जनरली हम ट्रांसफार्मर के केस में या बसबार के केस में भी बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हैं, और आज के सेशन में हम यही दो चीज मेनली देखने वाले हैं कि क्यों हम बायस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं और मर्ज प्राइस करंट कंपैरिजन प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये दो मेन चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा ये कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। तो जनरली जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को हम कहते हैं यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम। तो जो इसको यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम्स कहते हैं, यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम्स का मतलब क्या है कि अगर आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का एक जोन देखें, तो सपोज कर लिए ये कोई भी डिवाइस है, इस डिवाइस में इसके दोनों साइड के सीटी जहां पर भी लगे हुए होंगे, इन दोनों साइड के सीटी के बीच में जो भी डिवाइस कवर होता है वो बेसिकली वहां तक, अगर हमारा इनके बीच में कहीं पर भी फॉल्ट है, इन दोनों सीटी के बीच में कहीं भी फॉल्ट है, तो इंस्टेंटेनियसली उस फॉल्ट को क्लियर कर दिया जाता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के द्वारा, और इसीलिए इसको यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम कहते हैं। अब इसमें यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर होता क्या है कि जो इसको यूज करने का मेजर एप्लीकेशन है वो वहां पर है जहां पर आपका प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि ट्रांसफार्मर के केस में या बसबार के केस में जब हमारा प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन जहां पर डिफिकल्ट होता है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। और दूसरा, जहां पर आपको टाइम डिलेड एलिमेंट्स यूज करना फिजिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, फिर जहां पर हमें फास्ट क्लियरेंस चाहिए वहां भी हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को यूज करते हैं, और जोन ऑफ प्रोटेक्शन बनाने के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को यूज करते हैं। तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का बेसिक कंसेप्ट है, इसके बारे में मैंने पहले ही अपने एक सेशन में बताया हुआ है, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ये वाला जो सेशन था हमारा हाउ टू फॉर्म सीटी स्टार पॉइंट्स और व्हाई सीटी स्टार पॉइंट्स आर ऑलवेज फॉर्म टुवर्ड प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट साइड, इस सेशन के पार्ट टू में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के लिए सीटी के कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में सीटी है, ये प्राइमरी साइड का सीटी है और ये सेकेंडरी साइड का सीटी है, ये साइड वन का सीटी है। सपोज कर लीजिए ट्रांसफार्मर का साइड वन है और ये साइड टू है, तो दोनों साइड का ये हमारे पास सीटी है, और ये डॉट कन्वेंशन यहाँ पर यूज किया गया है। डॉट कन्वेंशन जो है वो एग्जैक्टली सेम होता है P1, P2, S1, S2 के साइड के टाइप से ही। डॉट कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कर लीजिए ये हमारा सीटी है और ये प्राइमरी डॉटेड टर्मिनल है और सेकेंडरी डॉटेड टर्मिनल है, तो इसका सेम ही कंसेप्ट होता है, अगर प्राइमरी में करंट डॉटेड टर्मिनल से इन होगा तो सेकेंडरी साइड में करंट डॉटेड टर्मिनल से आउट होता है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज किया गया है। अगर आप देखिए यहाँ पर I1P साइड वन का प्राइमरी करंट है, और क्योंकि ये यहाँ पर डॉटेड टर्मिनल से इन हो रहा है इसीलिए करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी करंट जो है वो इस डॉटेड टर्मिनल से आउट हो रहा है। अब सिमिलरली यहाँ पर सेकेंडरी साइड टू में I2P ये करंट डॉटेड टर्मिनल से इन हो रहा है और I2S करंट आउट हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है इंटरनल फॉल्ट का कंडीशन कर रहे हैं। इंटरनल फॉल्ट मीन्स यहाँ पर इन दोनों सीटी के बीच में जो भी फॉल्ट होगा, इंटरनल फॉल्ट का मतलब होता है कि इंटरनल फॉल्ट का यहाँ पर मतलब है दो सीटी के बीच में फॉल्ट जो है दोनों सीटी के बीच में है, फर्स्ट सीटी और सेकेंड सीटी के बीच में, सीटी वन एंड सीटी टू के बीच में जो भी फॉल्ट होगा उसको इंटरनल फॉल्ट कहते हैं, और इन दोनों सीटी के बियॉन्ड अगर कोई फॉल्ट है तो उसको एक्सटर्नल फॉल्ट कहते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के केस में। अब यहाँ पर इन दोनों सीटी के बीच में सपोज ये ट्रांसफार्मर में फॉल्ट है, तो ये वाला साइड भी इस फॉल्ट करंट को इस टाइप से फीड करेगा, इधर से भी फॉल्ट करंट इस टाइप से फीड होगा, और यही सेम यहाँ पर दिखाया गया है I1P और I2P। अब इनका करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी करंट इस नोड पर आने के बाद I1 है, इस साइड से जो करंट आया वो I2S, और टोटल जो डिफरेंशियल एलिमेंट में करंट जाएगा वो I1S प्लस I2S। और अगर ये I1S प्लस I2S जो हम IOP दिखा रहे हैं, ये अगर ग्रेटर है सेटिंग करंट से, I set से, तो रिले ऑपरेट हो जाएगी।
सेम वे ये हमारा अगर एक्सटर्नल फॉल्ट है या फिर आपका नॉर्मल लोड फ्लो कंडीशन है तो उस केस में क्या होगा, इस साइड से करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा है, इधर से भी करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा है, प्राइमरी साइड में करंट डॉटेड टर्मिनल से इन हो रहा है, तो दैट मींस करंट डॉटेड टर्मिनल से आउट होगा। यहाँ पर करंट डॉटेड टर्मिनल से इन हो रहा है, दैट मींस करंट डॉटेड टर्मिनल से इन होना है। तो ये देखेंगे, ये यहाँ पर हमारे पास करंट आया। अब ये करंट एक साइड से आ रहा है, दूसरे साइड से जो करंट है वो ये करंट आ रहा है, और ये करंट हमारा इस टाइप से सर्कुलेट होता हुआ बाहर निकल गया था। आप देखेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट के अंदर ये टोटल करंट है वो जीरो है। तो एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में और लोड कंडीशन के केस में कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होता है रिले से, और इसीलिए सिस्टम स्टेबल रहता है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है डिफरेंशियल रिले का। ये ऑपरेट होता है ऑन द सम ऑफ करंट एंटरिंग द प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सम ऑफ करंट है जो कि एंटर कर रहा है प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स में, और इस सम ऑफ करंट को ही हम डिफरेंशियल करंट कहते हैं। तो अगर हमारा रिले के अंदर जो सेटिंग है वो डिफरेंशियल करंट से ज्यादा है तो रिले ऑपरेट कर जाएगा। और अब हम ये जो है नॉर्मल कंडीशंस में होता है, जो मतलब बिल्कुल आइडियल कंडीशंस है, आइडियल कंडीशंस में ऐसा होता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, सबसे मेजर फैक्टर है इस साइड का सीटी और इस साइड का सीटी। जो आपका करंट कैलकुलेट हो रहा है डिफरेंशियल करंट आई वन एस एंड आई टू एस, जो रिले के अंदर करंट जा रहा है, या नॉर्मल लोड फ्लो के कंडीशन में जो हमारे यहाँ पर करंट है आई वन एस माइनस आई टू एस जो कि जीरो है, अगर मान लीजिए कि आपका ये वाला सिटी और इस वाले सिटी का कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, या दोनों के बीच का रेशियो एरर है कुछ, या एक सिटी कोई सेचुरेट हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला मैग्नीट्यूड जीरो नहीं मिलेगा नॉर्मल लोड कंडीशन में। और एक जो आइडियली हम बोल रहे हैं कि जीरो करंट होता है डिफरेंशियल में, जीरो ना होकर के एक नॉन जीरो वैल्यू जाएगा। और इस नॉन जीरो वैल्यूज के कारण से हो सकता है कि अगर हम नॉर्मल करंट बेस्ड डिफरेंशियल रिले ले रहे हैं, नॉर्मल करंट बेस्ड मीन नॉर्मल ओवर करंट डिफरेंशियल रिले, नॉर्मल ओवर करंट डिफरेंशियल रिले, ये जो है चांसेस ऑफ माल ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, माल ऑपरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे इसके केस में। तो इनसे बचने के लिए हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं परसेंटेज बाइस्ड होता है, इसको हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये सेम चीज जो मैं लास्ट लाइन में बता रहा था कि अगर रिले आर डिफरेंशियल करंट के लिए, रिले आर जो है डिफरेंशियल करंट के लिए अगर ओवर करंट प्रिंसिपल यूज कर रहा है, तो कोई भी स्पिल करंट अगर होगा तो हमारे चांसेस ऑफ माल ऑपरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ट्रांसफार्मर के केस में स्पिल करंट आने का एक तो ऑप्शन हो सकता है कि मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट, दूसरा मिसमैच एरर ऑफ सिटीज, सिटी सेचुरेशन, और टैप चेंजर के कारण से जो एरर होगा, ये सभी मिल करके एक यहाँ पर अनबैलेंस करंट प्रोड्यूस करता है आई डिफरेंशियल, जो कि नॉन जीरो होता है। और ये अगर हमारे सेटिंग से ज्यादा है तो रिले के माल ऑपरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो इनको कंपनसेट करने के लिए सभी एरर को ओवर करंट रिले शुड बी सेट टू ऑपरेट अबव द एंटीसिपेटेड मैक्सिमम एरर वैल्यू, दैट मीन्स कि हमारा जो ओवर करंट एलिमेंट है डिफरेंशियल रिले का वो मिनिमम कितने पर सेट होना चाहिए, सिटी एरर प्लस सिटी सेचुरेशन के कारण से जो भी एरर आने वाला है, प्लस टैप चेंजर के कारण से जो भी एरर आने वाला है, इन सभी का अगर हम देखें तो इन सभी का जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो कंसिडर करके, अगर सपोज सिटी एरर 10% हो सकता है, सिटी सेचुरेशन के कारण से 10% एरर है, 5% टैप चेंजर का, तो मिनिमम 25%, तो हम मिनिमम 0.25 पीयू या 25% से ज्यादा जो है डिफरेंशियल करंट सेट करेंगे, कि इससे ज्यादा अगर होगा तभी हमारा रिले ऑपरेट होना चाहिए, और इसको कहते हैं डिफरेंशियल पिकअप। अब एक एक करके हम इन सभी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट होता है वो होता है परसेंटेज बाइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। परसेंटेज बाइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो मेजर पर्पज होता है वो क्या होता है कि आपको पता है कि जब हम ओवर करेंट प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, जब हम ओवर करेंट प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं डिफरेंशियल रिले में, तो आपका कुछ कुछ प्रॉब्लम्स था, और वो कुछ प्रॉब्लम्स क्या है कि जो सिटी एरर है या सिटी सेचुरेशन के कारण से जो भी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, या टैप चेंजर है, इनके कारण से रिले के माल ऑपरेशंस के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए परसेंटेज बाइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले यूज किया जाता है। ये रिले सेंसिटिव डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है एट लो करेंट पर, और लार्जर मिसमैच को अलाउ करता है एट हाई करेंट पे, जबकि अगर इंटरनल फॉल्ट है तो रिले ट्रिप भी कमांड इश्यू करता है। तो बेसिकली परसेंटेज डिफरेंशियल रिले का कुछ मतलब नहीं होता है। आप देखेंगे तो ये वाला जो लिमिट है आईपीयू, ये हमारा सेम है जो हम ओवर करंट बेस्ड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की अगर हम बात कर रहे थे,
कि उस केस में मिनिमम डिफरेंशियल करंट वैल्यू जो है और आई ऑपरेटिंग वैल्यू जो है वो ग्रेटर होना चाहिए था आईपीयू से, जो कि पिकअप करंट है। अब एक एडिशनल यहाँ पर देखेंगे तो एक स्लोप बनाया गया है। अब इस स्लोप को ही परसेंट जो हम बायस कहते हैं या परसेंटेज बायस कहते हैं, वो ये स्लोप ही होता है बेसिकली। और इस स्लोप का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका जो एरर का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, या जैसे जैसे हमारा मान लीजिए सिटी सेचुरेशन के कारण से या टैप चेंजर के कारण से जैसे जैसे हमारा एरर ज्यादा बढ़ेगा, एरर के कारण से आपका जो डिफरेंशियल करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से हमारा जो ऑपरेटिंग मैग्नीट्यूड होता है उसको हम हायर एंड हायर करते जाते हैं, जो डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर। तो दैट मीन्स अब हमारा जो ऑपरेटिंग करंट होगा वो ऑपरेटिंग करंट कितना होगा, स्लोप टाइम्स रीस्ट्रेनिंग करंट। और रीस्ट्रेनिंग करंट जनरली अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग टाइप से यूज करता है। अगर मैं सीमेंस की बात करूं तो सीमेंस के केस में रीस्ट्रेनिंग करंट होता है I1 प्लस I2, जो कि साइड वन और साइड टू का जो करंट है उसका फेजर सम है। अब अगर मान लीजिए आपका अल्स्टोम का रिले है या माइकोम रिले है तो उसमें यही हो जाता है I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2। अगर मान लीजिए आपका ABB मेक रिले है तो उसमें यह हो जाता है मैक्सिमम ऑफ I1 एंड I2। तो इस टाइप से अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग रीस्ट्रेंट के डेफिनेशन को यूज करता है। हम जो जनरल अपने इसमें लेकर के चलेंगे, हम I1 प्लस I2, ये दोनों स्केलर सम है, और I1 प्लस I2 बाई 2, इन दोनों कंसेप्ट को यूज करके समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कैसे कैसे ये परसेंटेज डिफरेंशियल रिले सर्विस में आता है, कैसे क्या क्या इसके मेजर चीजें हैं, क्या क्या मेजर फैक्टर हमें कंसीडर करना होता है। यहां तक बेसिक कंसेप्ट था। अब मेन चीज आता है कि कंसीडरेशंस क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंसीडरेशंस होता है। सबसे फर्स्ट, और ये सभी जो है ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बस बार के लिए अलग होगा, रिएक्टर्स के लिए अलग होगा, ट्रांसफार्मर के केस में ये सारी चीजें आते हैं। फर्स्ट होता है रेशियो करेक्शन, एक एक करके मैं सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट फेज करेक्शन, फिर फिल्टरिंग ऑफ जीरो सीक्वेंस करंट, इफेक्ट ऑफ टैप चेंजर्स, मैग्नेटाइजिंग इनरश ड्यूरिंग एनर्जाइजेशन एंड हार्मोनिक्स। अब हम एक एक करके सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस स्लाइड को हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं डिफरेंशियल रिले के प्रोसेसिंग में। सबसे फर्स्ट हमारा जो मेजर चीज होता है वो होता है सीटी रेशियो सिलेक्शन। अब ये जो है एक बेसिक थ्री फेज कनेक्शन है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले का, जहां पर एक मैंने 400 बाय 220 केवी 315 एमवीए का ट्रांसफार्मर कंसीडर किया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है 400 बाय 220 केवी 315 एमवीए, और जो कनेक्शन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है वो है स्टार स्टार, और जो कनेक्शन यहाँ पर लिया हुआ है वो है स्टार डेल्टा, और ये है 400 बाई 220 केवी 315 एमवीए आईसीटी। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक जो साइड आपका ये जो कनेक्शंस है, इस कनेक्शंस को हमने अपने जो प्रीवियस सेशंस है जहां पर हमने बात किया था कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी कैसे या ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, एक सेपरेट सेशन में मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। और ये इसीलिए पहले ही सब टॉपिक बताए गए थे जिससे कि जब हम इन टॉपिक को आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। ट्रांसफार्मर कनेक्शन मैंने आपको बताया हुआ है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में कैसे होता है स्टार डेल्टा में, वो भी हमने पहले कवर किया है। तो अभी इस सेशन में बेसिकली हम जो कवर करने वाले हुए हैं सीटी रेशियो सिलेक्शन। तो अगर आप देखें तो जो 220 केवी वाला साइड है ट्रांसफार्मर का, इस साइड में फुल लोड करंट कितना होगा, फुल लोड करंट होगा अगर आप सिंपल देखें तो पावर इक्वल्स टू √3V × I। तो हमारा इस साइड का फुल लोड करंट आई फुल लोड ये हो जाएगा 315 एमवीए डिवाइडेड बाई √3 × 220 केवी, यही आ जाएगा। तो यही यहाँ पर निकाला हुआ है, रेटेड करंट ऑफ साइड वन इज इक्वल टू 315 डिवाइड बाय 220 इनटू √3 × 2000, दैट इज 826। सिमिलरली जो रेटेड करंट हमारा इस साइड का है 400 केवी साइड का, वो आपका हो जाएगा 455 एम्पीयर। जो जनरली क्राइटेरिया होता है सीटी रेशियो सिलेक्शन का, वो हम
लो वोल्टेज साइड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसी साइड में हमारा मैक्सिमम करंट होगा और 125% ऑफ द रेटेड करंट इन एलवी साइड को कंसीडर करते हैं। तो अगर आप यहां पर देखें 125% रेटेड करंट इन द एलवी साइड का रेटेड करंट कितना 826 एम्पीयर इनटू 1.25 दैट इज 1032.5। तो अब हम जो हमारा सीटी आएगा, सीटी का हमें बेसिकली सीटी रेशियो कितना लेना था, हमें सीटी रेशियो हमें लेना चाहिए 1032.5 डिवाइडेड बाय 1 एम्पीयर। लेकिन ये 1032.5 बाय 1 एम्पीयर का सीटी तो कोई बनाता नहीं है, सीटी का जो रेशियो होता है वो आपका हो सकता है 1600 डिवाइड 800 बाय 1, ये हो, मतलब आपके पास सीटी जो अवेलेबल है वो हो सकता है 1600 800 बाय 1 का हो या 2000 बाय 1 का हो। तो अब इसमें से आप 1000 तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि 1000 जो है वो 1032.5 से कम है। तो अगर आपके पास ये वाले सीरीज का सीटी है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 2000 एम्पियर। अगर आपके पास सीटी अवेलेबल है 1600 बाय 1 और 800 बाय 1 वाले, तो इसमें भी हम ये यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना पड़ेगा 1600 बाय 1। तो यहाँ पर जो हम सीटी यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 1600 बाय 1, ये एक कंसिडरेशन है। सपोज कि हमारे पास यही अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी है, ये डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी हमने 1600 बाय 1 कंसीडर कर लिया। जैसे ही आपने 1600 बाय 1 सीटी रेशियो कंसीडर किया है तो अब इस साइड का जो सेकेंडरी करंट है वो कितना हो जाएगा, 826 डिवाइडेड बाय 1600 दैट मींस 0.516 एम्पीयर। तो इस साइड का हमारा जो करंट है वो आ गया 0.516 एम्पीयर। अब आइडियली अगर हमारे पास सब कुछ आइडियल कंडीशन है तो हमें पता है कि जो प्राइमरी साइड का जो भी करंट होगा means साइड वन का जो भी करंट होगा, साइड वन करंट इन सेकेंडरी टर्म्स दैट मींस I1S वो इक्वल होना चाहिए साइड टू करंट इन सेकेंडरी टर्म्स। ये आइडियल कंडीशन होना चाहिए जिससे कि हमारा डिफरेंशियल करंट भी जीरो रहेगा और यही आइडियल होता भी है। तो आइडियली आपका I1S और I2S बराबर होना चाहिए, तो दैट मींस I1S अगर 0.516 है तो I2S भी 0.516 होगा। जैसे ही हमने I2S को 0.516 कंसीडर किया तो यहाँ के लिए हमें सीटी रेशियो कितना चाहिए, 455 डिवाइडेड बाय 0.516 दैट मींस 882 एम्पीयर। अब हमारे पास 882 एम्पीयर का कोई सीटी तो होता नहीं है, नेक्स्ट नियरेस्ट पॉसिबल हमारे पास होता है 1000 बाय 1। तो एचवी साइड के लिए जो सीटी रेशियो लेंगे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी वो होगा 1000 बाय 1। जब आप एचवी साइड के लिए सीटी रेशियो 1000 बाय 1 कंसीडर करेंगे तो इस साइड का सेकेंडरी टर्म्स में करंट कितना आ जाएगा, 455 डिवाइडेड बाय 1000 दैट मींस 0.455। तो इसके हिसाब से आपका जो फुल लोड करंट होगा एचवी साइड का वो कितना हो जाएगा, 0.455। अब आपका एक्चुअल में दोनों साइड का करंट कितना आना चाहिए था, इधर का भी 0.516 इधर का भी 0.516, तो हमारा डिफरेंशियल जो है ये 516 - 516 इज इक्वल टू 0। बट सीटी रेशियो आपके पास उस फैक्टर में अवेलेबल नहीं होने के कारण से और जो नियरेस्ट पॉसिबल सीटी रेशियो हमारे पास अवेलेबल था उसके कारण से हमारे पास जो दोनों साइड का करंट है वो ये है, और इस करंट के कारण से जो परसेंटेज एरर ड्यू टू सीटी रेशियो मिसमैच है, ये हमारा परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर ड्यू टू सीटी रेशियो मिसमैच वो कितना हो जाएगा, 0.516 - 0.455 डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100 व्हिच इज 11.82% और क्लोज टू 12%। तो अब अगर हम डिफरेंशियल करंट की नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करें, नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करें ओवर करंट बेस्ड, और हम सिंपल उसकी सेटिंग रख दें, अगर सपोज करते हैं 0, तो वो तो हर केस में ही ऑपरेट हो जाएगा ड्यू टू आपका सीटी रेशियो सिलेक्शन, जो कि हम चाहते नहीं है। तो इसको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि मिनिमम अगर हमारा इसी टाइप का कॉम्बिनेशन है, यही सारा कनेक्शन है, तो मिनिमम जो हमारा डिफरेंशियल करंट का वैल्यू होना चाहिए वो 0.12 से तो 0.12 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। 12% है आपका, 12% होने का मतलब क्या होगा कि मिनिमम 0.12 से ज्यादा होना चाहिए। ये तो फर्स्ट चीज आ गया, ये 0.12 या 12% डिफरेंशियल करंट इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है सीटी रेशियो सिलेक्शन के बाद कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रांसफार्मर कनेक्शंस होता है उसके कारण से क्या फर्क पड़ता है। जनरली मैंने ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शंस भी अपने एक सेपरेट सीरीज में आपको बताया हुआ है,
और सेपरेट सेशन में हमने डिस्कस भी किया है कि ट्रांसफार्मर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्टार स्टार में कैसे होगा, स्टार डेल्टा में कैसे होगा, स्टार डेल्टा ग्राउंडेड अगर स्टार साइड में है तो किस टाइप से कनेक्शन बनता है और कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर स्टार साइड फॉल्ट, फॉर स्टार साइड फेज टू फेज फॉल्ट, फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ये सभी चीजें हमने डिस्कस किया है, इसीलिए उसको यहाँ पर दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांसफार्मर कनेक्शन। और ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसी से हमारा नेक्स्ट टर्म आता है जो कि है फेजर और फेज एंगल करेक्शन, फेज एंगल करेक्शन इन डिफरेंशियल रिले। तो अभी जो हमारा ये टॉपिक है वो बेसिकली आएगा फेज एंगल करेक्शन के अंदर। तो जो फर्स्ट केस है उसमें हम एक स्टार स्टार ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, दोनों साइड आपका स्टार स्टार ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस साइड में अगर मान लीजिए ये एचवी साइड है जहां पर की करंट है आई ए पी इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी, और इस साइड का करंट है आई ए पी स्मॉल ए मीन्स लो वोल्टेज साइड, के सेकेंडरी साइड यहाँ पर स्मॉल स्टार और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई दिखाया हुआ है एचवी और एलवी के लिए। तो सिस्टम करंट अगर मान लेते हैं हम दोनों के लिए वन पी यू है, तो अगर हमारे पास नॉर्मल लोड फ्लो चल रहा है तो अगर हम इसी को डिफरेंशियल के फॉर्म में बनाए और नॉर्मल लोड फ्लो चल रहा है तो 1 माइनस 1 आपका नॉर्मल जीरो करंट आएगा रिले के अंदर, और अगर हमारे पास कोई फॉल्ट है तो 1 प्लस 1 वो कंप्लीट 2 एम्पीयर करंट आएगा, जिसको कि यहाँ पर दिखाया हुआ है नॉर्मलाइज करंट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई फॉल्ट है, इन साइड कहीं पर फॉल्ट आया हुआ है, तो दोनों साइड का अभी यहाँ पर कहीं पर फॉल्ट था, जैसे यहाँ पर फॉल्ट आया इस साइड का, इस साइड से ऐसे करंट फीड हो रहा है फॉल्ट में और इस साइड से ऐसे करंट फीड हो रहा है, वही यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। और इस टाइप से करंट फीड होने के कारण से अभी आपका क्या होगा कि जो हमारा रिले है, रिले के अंदर ये एक साइड का करंट आया आई ए पी, और ये जो है रिले के अंदर दूसरे साइड का करंट आ गया आई ए पी, और ये दोनों करंट सम हो जाएगा और टोटल करंट जो है हमारे पास 2 एम PU हो जाएगा। जबकि अगर एक्सटर्नल फॉल्ट है या लोड कंडीशन है नॉर्मल, तो दोनों करंट आपका इस टाइप से सेम उसमें चलेगा, और एक नोड की अगर हम बात करें, इस नोड पे अगर एक करंट इन हो रहा है दूसरा करंट आउट हो रहा है, तो टोटल जो करंट है वो 0 एम्पीयर है। सिमिलरली अब अगर मान लीजिए आपका कनेक्शन है YD1 या नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे DY1 का, तो उस केस में आपको पता है कि ये यहाँ पर ये जो डेजिग्नेशन होता है Y means star, D means delta, and ये भी मैंने आपको फर्स्ट सेशन में एक सेपरेट सेशन में बताया हुआ है कि जो लेटर हम कैपिटल से लिखते हैं उसका मतलब होता है कि वो HV वाइंडिंग है, जो स्मॉल से लिखा है उसका मतलब है वो LV वाइंडिंग है, और HV लीड्स करता है LV वाइंडिंग को इतना क्लॉक से, ये 1 है तो 1 means 30 degree। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो HV का क्या होगा IAP, ये IAP है और ये LV का IAP है, और HV जो है उससे 30 डिग्री लीड कर रहा है, HV जो है 30 डिग्री लीड कर रहा है। अब अगर इंटरनल फॉल्ट होगा, आपने अभी हमने देखा था इंटरनल फॉल्ट है, तो इंटरनल फॉल्ट के केस में क्या होता है, ये अगर हमारा नॉर्मल वाला कंडीशन था स्टार स्टार, तो इंटरनल फॉल्ट के केस में क्या होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर हमारे पास एक्सटर्नल फॉल्ट है तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होंगे। यहाँ वाले केस में मतलब क्या था आपका, स्टार स्टार के केस में दोनों सेम डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में ही, जैसे एक्सटर्नल केसेस है या एक्सटर्नल लोड फ्लो है या एक्सटर्नल फॉल्ट है, तो एक साइड का करंट जो है दूसरे के अपोजिट चल रहा है, तो दैट मीन्स ये इंटरनल फॉल्ट के केस में, अगर हम इसी को सेम ड्रॉ करें इंटरनल फॉल्ट के केस में, तो ये यहाँ पर है, अगर हम एक्सटर्नल या नॉर्मल लोड की बात करें तो ये इसके एग्जैक्ट अपोजिट 180 डिग्री इधर होगा कहीं पर। तो इसी के लिए यहाँ पर अब आप क्या देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में ये आपका एक करंट है IAN, जो कि आपका सपोज HV साइड का करंट है, और ये LV साइड का करंट है, ये हमारे पास LV करंट है और ये HV करंट है IAN और ये IAN। तो अगर मैं डिफरेंशियल करंट की बात करूं, तो इस केस में हमारा जो डिफरेंशियल करंट है, अगर हमने कोई कंपनसेशन यूज नहीं किया हुआ, तो ये एक डिफरेंशियल करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस टाइप से आई डिफरेंशियल, जो कि अब नॉन जीरो नहीं है, और यहाँ पर रिले के ऑपरेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, माल ऑपरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इससे बचने के लिए
हम फेज एंगल करेक्शंस यूज करते हैं और वो कैसे यूज करते हैं ये हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। जनरली यहाँ पर क्या है कि एचवी और एलवी के बीच में, क्योंकि 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, एचवी और एलवी के बीच में 30 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो जो हम सीटी कनेक्ट करते हैं सीटी को भी, सीटी कनेक्शन को भी 30 डिग्री शिफ्टेड करके रखा जाता है। दैट मीन्स स्टार साइड का सीटी डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं और डेल्टा साइड सीटी वो हम स्टार में कनेक्ट करते हैं। तो ये जिस टाइप से YD1 था सेम टाइप से DY1 होगा। DY1 का मतलब भी यहाँ पर सेम है, D आपके कैपिटल में लिखा हुआ है और वो डेल्टा हो गया जो कि HV वाइंडिंग होगा। Y आपका स्मॉल में लिखा हुआ है जो कि स्टार है और ये LV वाइंडिंग होगा और डेल्टा लीड करेगा स्टार को 1 o'clock से, दैट मीन्स 30 डिग्री से। तो अगर ये डेल्टा साइड का करंट है IAP तो ये स्टार साइड की करंट IAP से 30 डिग्री लीड करेगा। ये टाइप से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री लीड कर रहा है। अब ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर हमारा कोई भी मतलब आपका इंटरनल फॉल्ट है या नॉर्मल लोड फ्लो कंडीशन है तो उसमें ये कैसे कैसे फिगर बनेगा, तो ये हमारे पास जो हम पिछले स्लाइड में भी देखा था हमने, ये IAP ये आपका एक साइड का करंट है, दूसरे साइड का नॉर्मल टाइम पर अगर हम देखें हमारे पास इस टाइप से करंट आना था आई, ये कब आएगा जब हमारे पास इंटरनल फॉल्ट का कंडीशन है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इंटरनल फॉल्ट के केस में हमारे पास करंट का डायरेक्शन अगर हम स्टार स्टार से कंपेरिजन करें तो इंटरनल फॉल्ट में दोनों करंट सेम डायरेक्शन में आएगा और आउट ऑफ जोन फॉल्ट या नॉर्मल लोड फ्लो में ये एग्जैक्ट 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगा। तब आपका ये रिजल्टेंट करंट बना और ये रिजल्टेंट करंट जो है रिजल्टेंट डिफरेंशियल करंट, तो DY1 और YD1 दोनों के केस में डिफरेंशियल करंट जो होता है वो ये बनता है और ये डिफरेंशियल करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो नॉन जीरो है और इस नॉन जीरो के कारण से रिले के माल ऑपरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब इनको न्यूमेरिकल रिले के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, न्यूमेरिकल रिले के अंदर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल रिले में सीधा हम क्या एंटर करते हैं और ये हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में भी देखेंगे। न्यूमेरिकल रिले में सीधा हम एंटर करते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग, दैट मीन्स ये सपोज 315 MVA, फिर हम एंटर करते हैं साइड वन वोल्टेज, देन साइड टू वोल्टेज और फिर हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बता देते हैं। इतना बताने के बाद बाकी सभी कुछ जो है वो रिले खुद कर लेता है। तो ये आपको सिर्फ इतनी चीजें बतानी होती है, इसके बाद बाकी चीजें जो भी है वो रिले खुद कर लेता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एंटर द रेफरेंस पावर इन MVA, एंटर लाइन वोल्टेज फॉर ईच वाइंडिंग, सिटी प्राइमरी और सेकेंडरी रेटेड करंट और वेक्टर ग्रुप LV और HV वाइंडिंग का। जब हम ये सभी चीजें कर देते हैं उसके बाद एक चीज हमें करना होता है कि कौन सा वाइंडिंग ग्राउंडेड है, कौन सपोज HV वाइंडिंग ग्राउंडेड, HV ग्राउंडेड है या LV वाइंडिंग ग्राउंडेड है, वो हमें सेट करना होता है। इसको इसीलिए सेट करते हैं क्योंकि आपको पता है एक सेशन में हमने बताया भी था कि जो मतलब डेल्टा वाइंडिंग होता है, डेल्टा वाइंडिंग ये तो ट्रैप्स करता है जीरो सिक्वेंस करंट को, ट्रैप कर लेता है जीरो सिक्वेंस करंट को, लेकिन जो हमारा स्टार वाइंडिंग होता है इसमें ग्राउंड के थ्रू एक रिटर्न पाथ मिलता है जीरो सीक्वेंस करंट के लिए। अब उसको हमें जो है एक फिल्टर से जीरो सीक्वेंस करंट रिमूव करना होता है और रिमूव करने के लिए हम उतना मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं जाएंगे, वो एक सेपरेट सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे रिमूव करते हैं। यहाँ पर सिंपल है कि हम वाइंडिंग को सेट कर देते हैं कौन सा ग्राउंडेड है और रिले अपने आप ही जीरो सीक्वेंस फिल्टर अप्लाई कर देता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, यू डू नॉट, ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली सेट द ट्रांसफार्मर नेम प्लेट डेटा एंड सीटी रेशियो विद मॉडर्न न्यूमेरिकल रिले, बाकी सब कुछ जो है रिले खुद ही कर लेता है। अब नेक्स्ट आता है कि बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के अंदर ही टैप चेंजर का क्या इफेक्ट होता है। तो टैप चेंजर का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, टैप चेंजर जनरली हम यूज करते हैं वोल्टेज कंट्रोल के लिए ट्रांसफार्मर में। अब ये जो है नॉर्मल कनेक्शन है, एक ट्रांसफार्मर है जो कि सपोज कर लीजिए 100/50 kV है और HV साइड का जो सिटी रेशियो है वो 100/1 है, LV साइड का सिटी रेशियो 200/1 है, सपोज नॉर्मल लोड करंट है 200 विद OLTC सेट है एट मिड पॉइंट। OLTC मिड पॉइंट पर सेट का मतलब क्या है कि इस केस में हमारा ट्रांसफार्मर अभी 100/50 kV के हिसाब से ही काम कर रहा है। अब अगर हमारे पास इस टाइप से OLTC सेट है तो अब क्या होगा, इस साइड का करंट जो है वो है 200 एम्पियर, इस साइड का करंट है 200 एम्पियर, तो HV साइड में ये करंट कितना हो जाएगा, 200 इंटू
50 डिवाइडेड बाय 100 ट्रांसफार्मर रेशियो के हिसाब से, और ये करंट हो जाएगा 100 एम्पियर। इस साइड का सीटी रेशियो है 100 बाय 1, इसके हिसाब से यहाँ पे जो करंट आ जाएगा वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस 1 एम्पियर। सिमिलरली इस साइड का करंट है 200 और सीटी रेशियो भी है 200, तो इस साइड का करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। अब ये जो है हमारे पास नॉर्मल लोड फ्लो है। नॉर्मल लोड फ्लो मीन्स करंट जो है इस टाइप से फ्लो हो रहा है। करंट इस टाइप से फ्लो होने का मतलब है यहाँ से करंट इधर से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा है। तो हम जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है, सपोज ये हमारे पास डॉटेड टर्मिनल्स है, तो अभी इस केस में अब क्या होगा, यहाँ से 100 एम्पियर करंट इस डॉट से इन हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे डॉट से 100 बाय 100 1 एम्पियर करंट आउट होगा। सिमिलरली यहाँ पर इस डॉट से आउट हो रहा है, तो 100 बाय 200 बाय 200 दैट मीन्स 1 एम्पियर करंट यहाँ से इन होगा। ये 1 एम्पियर यहाँ पर आया और ये 1 एम्पियर आपका इस टाइप से इधर से निकल गया। तो हमारे जो टोटल करंट है डिफरेंशियल रिले के अंदर 1-1 दैट मीन्स 0 एम्पियर। तो ये नॉर्मल अगर टैप पोजीशन आपका मिड टैप पर है तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशियल रिले में कोई एरर नहीं है, डिफरेंशियल रिले को कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई माल ऑपरेशंस नहीं होगा। अब सपोज कर लीजिए कि जो हमारा ओएलटीसी है वो सेट है 10% पर, और ये 10% का मतलब है कि 10% मोर या 10% लेस दोनों हो सकता है। यहाँ पर 10% का मतलब ये नहीं है कि 10% हायर साइड ही होगा, 10% लोअर भी हो सकता है और 10% हायर भी हो सकता है। तो हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं जहां पर हमने एचवी वाइंडिंग में ये टैप चेंजर यूज किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि टैप चेंजर का जो पोजीशन है वो मैंने एचवी वाइंडिंग में शो किया हुआ है, और टैप चेंजर 10% है और 10% हायर साइड में मैं यूज करता हूँ। हायर साइड यूज करने का मतलब अब एचवी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो हो गया है 110 kV, और इसके यहाँ पर 50 kV जो है वो सेकेंडरी में मेंटेन कर रहा है। जब हम 110 kV टैप चेंजर को लेकर के जा रहे हैं, तब मतलब टैप चेंजर के थ्रू 110 केवी कर दिया हमने वोल्टेज, और करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज यहाँ पर अब 50 केवी मेंटेन होकर के रह रहा है। सभी कंडीशन सेम है। अब इस केस में अगर आप यहाँ पर देखें तो इस साइड का करंट तो अभी भी 200 एम्पियर है, लेकिन इस साइड में जो करंट आएगा वो कितना हो जाएगा, 200 × 50 डिवाइडेड बाई 110, जो अब न्यू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से अब ये करंट हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 11, विच इज क्लोज टू 9 एम्पियर। 9 एम्पियर प्राइमरी में है, तो सेकेंडरी में 9 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.9 एम्पियर। यहाँ पे 200 ये 9 नहीं आएगा, 90 आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 11 व्हिच इज 90 एम्पियर, और यहाँ पे 200 है, 200 डिवाइडेड बाय 200 व्हिच इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 0.9 एम्पियर करंट इस टाइप से यहाँ पर आया, और यहाँ से आपका जो है इस वाइंडिंग से 1 एम्पियर करंट जा रहा है। दैट मीन्स अभी हमें यहाँ पर जब ये करंट आया 1 एम्पियर, इसमें से सिर्फ 0.9 एम्पियर इधर चाहिए था, तो बैलेंस 1.1 एम्पियर करंट इधर से आ जाएगा। तो 0.1 एम्पियर इधर से आया प्लस 0.9 एम्पियर यहाँ पर जुड़ा, 0.9 प्लस 0.1 दैट इज 1 एम्पियर, जो कि एक्सटर्नल सर्किट में आपका चलता रहेगा। और अब अगर आप देखें तो डिफरेंशियल रिले में एक करंट आ रहा है 0.1। अगर हमारा रिले 0.1 एम्पियर से कम पर सेट है तो रिले ऑपरेट हो जाएगी, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने जो रिले है, रिले की सेटिंग जो है आई डिफरेंशियल सेटिंग और आई पिकअप, वो हमें ग्रेटर होना चाहिए 0.1 से। अब अगर आपको पिछला कंसेप्ट याद हो, पिछले कंसेप्ट में हमने बात की थी सीटी रेशियो की सिलेक्शन की, यहां पर मैं बोलता कि सीटी रेशियो के कारण से 12% का एरर आ रहा और 0.12 जो है ये हमारे इतना डिफरेंशियल करंट आ रहा है। अब जो हमारा टैप चेंजर है उसके कारण से आपका 10% का एरर इसके कारण से भी आ रहा है। तो अगर आप दोनों को एक साथ फैक्टर में लेके चले तो 0.22 का हमारे पास मिनिमम एरर है, तो हमारे पास जो सेटिंग है वो 0.22 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक ही फैक्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ टैप चेंजर की। तो हमारे पास नॉर्मल डिफरेंशियल करंट 0.1 है, तो मान लीजिए कि हम रिले का सेटिंग 0.2 एम्पियर रखते तो रिले हमारा रिस्ट्रेन कर जाएगा और ऑपरेट नहीं करेगा। बट सपोज कर लीजिए कि अभी सब कुछ सेम है और हमारा जो फॉल्ट है वो एक्सटर्नल फॉल्ट है 2000 एम्पियर का, इस साइड में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2000 डिवाइडेड बाय 200 और ये यहाँ पर आपका 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा, जबकि इस साइड में आपका जो एचवी साइड का करंट है वो कितना हो जाएगा, 2000 एम्पियर करंट है आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग में, तो एचवी वाइंडिंग में 2000 × 50 डिवाइडेड बाई ओएलटीसी हमारा 10% हाइयर पे सेट है। ये जो 10% है इसका मतलब 10% हाइयर है अपने रेटेड से, तो दैट मीन्स ये 110
कैंसिल, 10,000 डिवाइड बाय 11, दैट मींस नाउ ये हो जाएगा हमारे पास सपोज 900 एम्पियर, 900 से कुछ ज्यादा होगा तो ये हमारे पास 10,000 डिवाइड बाय 11 क्लोज टू 900 एम्पियर. 900 डिवाइड बाय 100 बाय 160 रेशियो, तो इस साइड का करंट हो गया 9 एम्पियर. और अब यहाँ से आप देखें तो ये 9 एम्पियर करंट है और यहाँ से आपका इस सर्किट में फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर. 10 में से 9 एम्पियर आपका इस साइड गया तो टोटल करंट जो डिफरेंशियल रिले में आएगा वो आ जाएगा 1 एम्पियर. अब हमने लास्ट स्लाइड में अपना ओएलटीसी के कारण से एरर को ध्यान में रखते हुए रिले की सेटिंग की थी 0.2 एम्पियर, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फॉल्ट आया तो अब हमारा जो है 0.2 एम्पियर वाले सेटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में करंट जो है 1 एम्पियर हो गया है. करंट 1 एम्पियर होने के कारण से सेटिंग 0.2 है और रिले ऑपरेट कर जाएगी. तो नॉर्मल ओवर करंट अगर कंसेप्ट हम यूज करें तो वो काम आता नहीं है. तो इसके लिए परसेंटेज बाय डिफरेंशियल रिले यूज किया जाता है. परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में क्या करते हैं जनरली, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था अभी, कि हम एक एडिशनल कंसेप्ट यूज करते हैं आई रीस्ट्रेनिंग, जो कि स्केलर सम होता है आई1 प्लस आई2 का या I1 प्लस I2 बाई 2 का. तो अभी हम अपने स्लाइड्स में जो रीस्ट्रेनिंग करंट की बात कर रहे हैं आई रीस्ट्रेनिंग की, वो वाला हम फैक्टर लेके चल रहे हैं I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2. तो अब अगर आप यहां पर देखें तो हमारा जो पिकअप वैल्यू होगा, अगर मान लीजिए कि हम यूज कर रहे हैं स्लोप यूज कर रहे हैं हम सपोज 30%, तो हमारा जो रीस्ट्रेनिंग करंट है आई रीस्ट्रेनिंग कितना होगा, वही सेम कंडीशन है, ये लास्ट वाला कंडीशन ही है. तो हमारा रीस्ट्रेनिंग करंट, अगर इसी की बात करूं मैं, एक साइड का करंट है 10 एम्पियर, दूसरे साइड का करंट है 9 एम्पियर. तो आई रीस्ट्रेनिंग जो अभी मैं बात कर रहा था, एक फॉर्मूला से अगर सीमेंस के लिए 10 प्लस 9 मतलब 19 एम्पियर, और अगर मैं अलस्टम की बात करूं 10 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स ये 9.5 एम्पियर. तो आई रीस्ट्रेनिंग आपका है 9.5 एम्पियर, और सपोज स्लोप है हमारा 0.3. तो अगर हमारे पास, अब इसकी बात करूं तो जो आई पिकअप है, मैंने अपने स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया था, तो आई पिकअप शुड बी ग्रेटर देन स्लोप टाइम्स आई रीस्ट्रेनिंग करेंट, और 0.3 इंटू आई रीस्ट्रेनिंग 9.5, तो ये जो है 2.85 एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए. तो अब हमारा जो करंट आ रहा है, हमारा करंट कितना आ रहा है आई डिफरेंशियल आ रहा है 1 एम्पियर. 1 एम्पियर इज लेस देन 2.85 एम्पियर, सो रिले विल रीस्ट्रेन एंड रिले विल नॉट ऑपरेट. दैट्स व्हाई बायस डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक यूज किया जाता है. जरूरी नहीं है कि आप 30% स्लोप ही यूज करें. अगर सपोज हमने 20% स्लोप यूज किया है तो 20% स्लोप के केस में क्या हो जाएगा, आई रीस्ट्रेनिंग तो सेम रहेगा, आई रीस्ट्रेनिंग हमारा सेम है 9.5 एम्पियर. तो आई पिकअप जो है वो कितना हो जाएगा 9.5 इंटू स्लोप, दैट मीन्स 1.9 एम्पियर. और क्योंकि ये कम है, जो हमारा डिफरेंशियल करंट आ रहा है वो इससे कम है और रिले ऑपरेट नहीं करेगी. ये जो है सेम चीज है, ये हम निकाल कहाँ से रहे हैं, ये चीजें हम निकाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक से. ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक में ये हमारा आई रीस्ट्रेनिंग है, ये हमारा आई डिफरेंशियल है, और ये पिकअप के बाद ये हमारा स्लोप था. इस स्लोप को हमने एम बोला है. तो हमारा ऑपरेट कब होगा, इसके हाइयर साइड में. इसके हाइयर साइड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम इंटू में आई रीस्ट्रेनिंग, ये जो है ज्यादा होना चाहिए. ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ये एम है, ये आई रीस्ट्रेनिंग है, और ये आई डिफरेंशियल है. तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल करंट, क्योंकि अगर हमारा इधर कहीं पर है फॉल्ट के टाइम पर डिफरेंशियल करंट, तभी रिले ऑपरेट होगी. तो डिफरेंशियल करंट अगर ज्यादा है स्लोप टाइम्स आई रीस्ट्रेनिंग, तो रिले ऑपरेट होगी. तो अब इस पर्टिकुलर केस में, अभी क्योंकि डिफरेंशियल करंट आपका 1 एम्पियर आ रहा है, जो कि 2.85 से कम है, बिकॉज ऑफ 30% स्लोप जो कि हम एग्जाम्पल में कंसिडर कर रहे हैं, तो रिले विल रीस्ट्रेन एंड रिले विल नॉट ऑपरेट. अब मान लीजिए कि नेक्स्ट केस है जहां पर कि हमारा फॉल्ट जो है इंटरनल फॉल्ट है. अब इस इंटरनल फॉल्ट के केस में सब कुछ सेम है. यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 2000 एम्पियर करंट है,
और सपोज मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में जो ये मतलब फॉल्ट है, एक साइड में सोर्स नहीं है, मैं दोनों केस कंसिडर करूंगा, यहाँ पर मान लीजिए कि इस साइड में नो सोर्स एट दिस साइड, नो सोर्स एट दिस साइड, इस साइड में अगर कोई सोर्स नहीं है दैट मींस ये साइड फॉल्ट करंट कैन नॉट फीड, ये साइड फॉल्ट करंट फीड नहीं कर सकता, फॉल्ट करंट को फीड नहीं कर सकता, फीड नहीं कर सकता है क्योंकि इस साइड में सोर्स नहीं है। अब अगर ये साइड फॉल्ट करंट फीड नहीं करेगा तो इस साइड में हमारा करंट जो है वो जीरो है, इस साइड में हमारे पास जो टोटल करंट है वो है 2000 एम्पीयर, इधर के साइड से अगर हम देखें तो 2000 एम्पीयर इंटू, हम क्योंकि इस साइड में देख रहे हैं फॉल्ट अपोजिट साइड में था, 2000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, अगर हम नॉर्मल की बात करें तो 100, लेकिन हम सेम कंडीशन लेके चल रहे हैं जहां पर कि हमारा 10% बायस, 10% ओएलटीसी जो है वो यूज करके हाईएस्ट साइड में वोल्टेज रखा हुआ है, तो 2000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 110 और ये हमारा फिर से आ गया है 900 एम्पियर, और 900 एम्पियर टोटल प्राइमरी करंट है, सिटी रेशियो 100/1 तो सेकेंडरी में करंट 9 एम्पियर, इस साइड से करंट 0 तो ये टोटल 9 एम्पियर करंट इस टाइप से हमारा ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा, तो डिफरेंशियल डिले के अंदर टोटल करंट आ गया 9 एम्पियर, तो आई डिफरेंशियल हमारा जो है वो है 9 एम्पियर। आई रीस्टेनिंग कितना होगा, आई रीस्टेनिंग हमारा होगा 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 4.5 एम्पियर। अब हमारे पास स्लोप अगर सपोज हम कर लेते हैं, स्लोप हमारा 30% है इस केस में भी, तो m टाइम्स आई रीस्ट्रेनिंग, m टाइम्स आई रीस्ट्रेनिंग ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 4.5 दैट मींस 1.35 एम्पियर। क्या हमारा डिफरेंशियल करंट इससे ज्यादा है, यस डिफरेंशियल करंट 9 एम्पियर है, सो द रिले विल ऑपरेट, और यही यहां पर लिखा हुआ है, मॉडिफाइड पिकअप ड्यू टू अ बायस रेटिंग ऑफ 30% इज 30% ऑफ 0 प्लस 9 बाय 2 दैट इज 1.35 बट डिफरेंशियल करंट इज 9 एम्पियर सो द रिले विल ऑपरेट। अब जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है या बाय डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इसको यूज क्यों करते हैं, सबसे पहला तो ये फास्ट ऑपरेशन होता है, दूसरा एडजस्टेबल कैरेक्टरिस्टिक, और एडजस्टेबल कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, हाई थ्रू फॉल्ट स्टेबिलिटी ये भी कैसे अचीव करते हैं ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, देन सिटी रेशियो कंपनसेशन, मैग्नेटाइजिंग इनवर्स रीस्ट्रेंट और ओवर फ्लेक्सिंग फिफ्थ हार्मोनिक रीस्ट्रेंट, ये मैग्नेटाइजिंग इनवर्स और ओवर फ्लेक्सिंग फिफ्थ हार्मोनिक रीस्ट्रेंट ये भी हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट ऑन ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अब जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है इसकी कंप्लीट थ्योरी तो अभी हम नहीं करेंगे, सिंपल अगर टर्म में आपकी बात करूं तो मैग्नेटाइजिंग इंडस करंट जब हम ट्रांसफार्मर को फर्स्ट टाइम चार्ज कर रहे हैं, एक साइड से जब चार्ज किया है और उस समय जो आपका इनिशियल रेसिडुअल फ्लक्स है और ट्रांसफार्मर को किस पॉइंट पर एनर्जाइज कर रहे हैं उसके बेसिस पर जो ट्रांसफार्मर सिस्टम से करंट ड्रॉ करता है वो मैग्नेटाइजिंग इंडस करंट होता है, कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए जितना करंट उसको चाहिए। तो अपीयर्स ऑन वन साइड ऑफ ट्रांसफार्मर ओनली, और क्योंकि ट्रांसफार्मर एक ही साइड में होता है और एक हाई मैग्नीट्यूड करंट होता है तो इसको रिले जो है डिफरेंशियल रिले एक फॉल्ट की तरह ट्रीट करता है। नॉर्मल स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट जो होता है वो बहुत कम रहता है रिले सेटिंग से और उसमें तो ऑपरेट नहीं करता है, लेकिन जो ट्रांजिएंट मैग्नेटाइजिंग इंडस करंट होता है वो रिले को ऑपरेट करवा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार हो ही जाए क्योंकि वो डिपेंड करता है कितना है। तो अब इससे बचने के लिए अलग अलग मिटिगेशन टेक्निक्स होता है जिसमें से सबसे सिंपल सा तो होता है टाइम डिले। टाइम डिले का मतलब क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड कर देते हैं कि सपोज हमें पता है कि स्टार्टिंग में जब हमने ट्रांसफार्मर चार्ज किया तो इस टाइप से हमारे पास कुछ मैग्नेटाइजिंग इंडस करंट आएगा जो कि बाद में ऐसे सेटल हो जाएगा। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को सपोज इतना टाइम प्रोवाइड कर दें कि इस टाइम तक अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल करंट है तो रिले ऑपरेट ना हो तो हम मैग्नेटाइजिंग इंडस के करंट में रिले को ऑपरेट होने से बचा सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है अब वो टाइम डिलेड हो जाएगा कि अगर हम सपोज इसको दो साइकिल भी देते हैं टाइम तो दैट मीन्स हम हर बार 50 हर्ट्ज सिस्टम की बात करें अगर तो 50 हर्ट्ज सिस्टम में वन साइकिल इज इक्वल्स टू 20 मिलीसेकंड, तो अगर हम दो साइकिल की बात करें तो 40 मिलीसेकंड टाइम डिले इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इन केस ऑफ जेन्यून ट्रांसफार्मर फॉल्ट की केस में भी हमारे पास टाइम डिलेड फॉल्ट क्लियरेंस होता है जो कि अनडिजायरेबल है। सेकंड मेथड होता है कि सेकंड और फिफ्थ हार्मोनिक रीस्ट्रेंट किया जाता है, हालांकि इसमें भी दो मेथड्स होता है, हम हार्मोनिक रीस्ट्रेंट भी कर सकते हैं और हार्मोनिक ब्लॉकिंग भी यूज की जाती है। तो हार्मोनिक रीस्ट्रेंट एंड हार्मोनिक ब्लॉकिंग क्या होता है ये तो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन जो ये मेथड्स होता है हार्मोनिक रीस्ट्रेंट एंड हार्मोनिक ब्लॉकिंग ये पुराने मेथड्स है,
इस मेथड्स में क्या करते थे कि एक एम्पेरिकल स्टडी के हिसाब से हमें पता है कि जब भी ट्रांसफॉर्मर एनर्जाइज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन करंट जो होता है वो रिच होता है हमारे पास सेकंड हार्मोनिक कंटेंट्स से, उसमें बहुत ज़्यादा सेकंड हार्मोनिक कंटेंट्स रहता है। और बहुत ज़्यादा सेकंड हार्मोनिक कंटेंट रहने का मतलब क्या है कि जब हम ट्रांसफॉर्मर को एनर्जाइज कर रहे हैं, सपोज हार्मोनिक कंटेंट जो है वो सपोज 25% हमेशा आ रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं, एक सेटिंग सपोज कर लीजिए कि 20% की 20% अगर करंट में सेकंड हार्मोनिक 20% से ज़्यादा है तो हम उसको सबको बता देंगे कि ये सेकंड हार्मोनिक है, करंट में कंटेंट सपोज 20% से ज़्यादा है तो रिले जो है वो ब्लॉक कर ले कुछ साइकिल्स के लिए, और कुछ साइकिल के बाद भी अगर ये परसिस्टिंग है तो ट्रिप करें। इस केस में भी आपका जो प्रोटेक्शन होता है वो टाइम डिलेड होता है। दूसरा हो सकता है कि हम रीस्ट्रेन कर दें। रीस्ट्रेन के केस में क्या होगा कि जो हमारा नॉर्मल डिफरेंशियल ऑपरेशन होता है, नॉर्मल रिले के ऑपरेशन के लिए आई ऑपरेटिंग करंट वो जो होता है एम टाइम्स आई रीस्ट्रेनिंग से ज्यादा होनी चाहिए। रीस्ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं कि इसी के साथ जो हमारे पास सेकेंड हारमोनिक्स का जो करंट होता है वो इंटू उसका जो भी सेटिंग है वो भी एड कर देते हैं। तो अब जो हमारा ऑपरेटिंग करंट है वो बढ़ गया है रीस्ट्रेन करने के कारण से। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम दोनों ही केस में, एक तो फर्स्ट केस जो था उसमें मैग्नेटाइजिंग इनरस के केस में हम हार्मोनिक अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो उस केस में हो सकता है कि सिस्टम जो है जेन्युइन फॉल्ट के केस में स्लो ऑपरेशन हो और या ज्यादा टाइम ले फॉल्ट क्लियरेंस करने में। सिमिलरली अगर हम रीस्ट्रेन भी कर रहे हैं तो उस केस में, अब क्योंकि आपका ऑपरेटिंग करंट के लिए बहुत ज्यादा करंट चाहिए एक एडिशनल टर्म ऐड होने के कारण से, तो सिस्टम स्लो हो जाता है। और इसके लिए अभी जैसे सिटी सिचुएशंस वाले केस आते हैं तो उसमें पुराने टाइम पर ये फिफ्थ हार्मोनिक्स वाले कंडीशंस और सेकंड हार्मोनिक कंडीशंस यूज किए जाते थे। आजकल लेटेस्ट में न्यू टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, न्यू मेथड्स आ गए हैं जिसको कि हम एक सेपरेट सेशन में अगर हो सकता है तो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को समझना होगा आप कमेंट कर सकते हो तो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो न्यू लेटेस्ट मेथड्स है जिसके अंदर एक सिंपल सा एक होता है कि जहाँ पर हम डीसी वोल्टेज ऑफ वेव फॉर्म इस रेशियो को डीसी वोल्टेज रेशियो ऑफ वेव फॉर्म इस मेथड से डिटेक्ट करते हैं। एक और मेथड होता है जहाँ पर कि हम एड ऑन स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं, एड ऑन स्टेबलाइजेशन जो कि जनरली सीमेंस रिले में यूज किया जाता है, सीमेंस 7UT61 रिले में यूज किया जाता है। तो क्योंकि अगर हम फिफ्थ हार्मोनिक्स या सेकंड हार्मोनिक्स यूज करें तो आपका प्रोटेक्शन अननेसेसरली डिलेड फॉल्ट क्लियरेंस करता है, इसीलिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आजकल नए नए मार्केट में आ रहे हैं। अब जो इनरस करंट है, जनरली इनरस करंट आपका कब कब आएगा? इनरस करंट एक तो आता है ट्रांसफॉर्मर के एनर्जाइजेशन के केस में, दूसरा जब भी फॉल्ट क्लियरेंस होगा एक्सटर्नल फॉल्ट क्लियरेंस, उसके बाद जब वोल्टेज रिकवरी होता है तो हमारा एक हाई इनरस करंट ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करता है। फिर जब हम एक ट्रांसफॉर्मर पहले से चार्ज है और दूसरा ट्रांसफॉर्मर पैरेलल में कोई एनर्जाइज कर रहे हैं तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी सर्विस में है उसमें एक एडिशनल करंट सिस्टम से जो ड्रॉ करता है जिसको हम सिंपैथेटिक इनरस भी बोलते हैं, वो इनरस करंट हो सकता है। इनरस करंट आपका डिपेंड करता है कि रेसिडुअल फ्लक्स कितना है ट्रांसफॉर्मर कोर में, किस पॉइंट पर हम ट्रांसफॉर्मर को एनर्जाइज कर रहे हैं वोल्टेज में, और मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स इंपेडेंस कितना है, और जो ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर्स है जिसके अंदर कि आपका मेनली ट्रांसफॉर्मर के कोर किस टाइप का, कितना आपके कोर का फ्लक्स है, इन सब पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। जनरली जो हमारा इंडस करंट होता है उसमें डीसी ऑफसेट ऑड हार्मोनिक्स और इवन हार्मोनिक्स होता है, और टिपिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स के बेसिस पर, इवन हार्मोनिक्स एंड ऑड हार्मोनिक्स के बेसिस पर इनरस करंट को मिटिगेशन की टेक्निक्स अभी तक यूज करते हुए आ रहे हैं। और जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसके अंदर एक तो पहला मेथड्स होता है ब्लॉकिंग स्कीम्स जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और दूसरा होता है हार्मोनिक रीस्ट्रेन मेथड्स। ब्लॉकिंग स्कीम्स में अगर सपोज कर लीजिए कि 15% या 20% से ज्यादा कंटेंट है हार्मोनिक्स का तो प्रोटेक्शन जो है वो ब्लॉक रहता है एक पर्टिकुलर टाइम तक जितना कि हमने सेटिंग रखा है। रीस्ट्रेनिंग में जितना भी हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है सेकंड हार्मोनिक्स या फोर्थ हार्मोनिक्स या सिक्स्थ हार्मोनिक्स जो भी हम यूज कर रहे हैं वो इनटू जो हमने सेटिंग रखा हुआ है रीस्ट्रेंट के लिए वो दोनों का फैक्टर एड हो जाता है हमारे टोटल रीस्ट्रेनिंग करंट के ऊपर, और अगर डिफरेंशियल करंट उस मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो ही रिले ऑपरेट होती है। ये जनरल हमारे पास एक मेथड्स है
बेसिकली ये जो स्लाइड्स है वो मैंने तो यूज किया है एके प्रधान, एक हमारे फैकल्टी है आईआईटी खड़गपुर का, मैंने उनका स्लाइड यूज किया गया किया है यहाँ पर खड़गपुर का। और जो ये वाला चीजें हैं ये एक गेरहार्ड जिगलर की एक बुक है, गेरहार्ड जिगलर की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की बुक है। इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की बुक से ये सारे कंसेप्ट लिए गए हैं और उन्हीं कंसेप्ट को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंसेप्ट आपको गेरहार्ड जिगलर की बुक में भी मिल जाएगी, ये कंसेप्ट आपको फाड़के की बुक में भी मिलेगी, और ये कंसेप्ट आपको थॉर्प या ब्लैकबर्न की बुक में भी मिल जाएगी। हर एक बुक में ये कंसेप्ट दिया हुआ है। बेसिकली ये जो है हार्मोनिक ब्लॉकिंग, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक कंपैरेटर है, ये सेकंड कंपैरेटर है, थर्ड कंपैरेटर, फोर्थ कंपैरेटर, और गेट, सेकंड और गेट, और ये एंड गेट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंपैरेटर सिंपली क्या करता है, जो आपका पिकअप करंट है और जो आपका ऑपरेटिंग करंट है, ऑपरेटिंग करंट में जितना हमारे पास डिफरेंशियल करंट आया हुआ है जो रिले ने सेंस किया है, ये जो पॉजिटिव वाला साइड होता है वो उसका मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव वाले से। तो दैट मींस फर्स्ट कंपैरेटर क्या चेक कर रहा है कि आई ऑपरेटिंग शुड बी ग्रेटर देन आई पी यू, दैट मींस जो पिकअप करंट है उससे ज्यादा होना चाहिए आई ऑपरेटिंग। तो ये आप यहाँ पर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, इस कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पर IPU है, तो I ऑपरेटिंग करंट जो है इससे तो एटलीस्ट ज्यादा होना ही चाहिए ऑपरेट होने के लिए। फिर उसके बाद जो सेकंड हमारे पास अब है, ये एक स्लोप है, तो इस स्लोप से अगर हम रीस्ट्रेनिंग करंट को मल्टीप्लाई करें तो उससे भी ज्यादा होना चाहिए हमारे ट्रिपिंग रीजन के लिए। तो I रीस्ट्रेनिंग इंटू स्लोप, ये टोटल मैग्नीट्यूड आया I रीस्ट्रेनिंग इंटू स्लोप, और IOP जो है वो पॉजिटिव साइड में कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स सेकेंड कंपैरेटर अब क्या देख रहा है, IOP should be greater than M times I restraining. Third में अगर हम देखें I2 टू सेकेंड हारमोनिक्स करेंट का मैग्नीट्यूड है, K2 जो हमने सेटिंग्स हारमोनिक्स की रखी है परसेंटेज सेटिंग वो फैक्टर है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है। तो इस ब्लॉक का सिंपल मतलब होता है I2 टू इंटू के टू, और ये I2 टू के टू कहाँ पर कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइड में, और ये नेगेटिव में IOP है। तो ये कंपैरेटर क्या चेक कर रहा है, IOP जो है IOP वो है लेस देन K2 I2, सिमिलरली IOP लेस देन K4 I4। इनमें से अगर कोई भी एक है, क्योंकि ये और गेट है, या तो ये कंडीशन, इसका मतलब क्या है, K2 I2 और K4 I4, means आपने जो भी यूज किया है सेकंड हार्मोनिक्स या फोर्थ हार्मोनिक्स ब्लॉकिंग, उनमें से कोई भी एक अगर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, IOP से, मतलब ऑपरेटिंग करंट से, जो रिले का ऑपरेटिंग करंट है, तो ये क्या करेगा, इस का यहाँ पर एक आउटपुट वन है, तो इसका आउटपुट वन है, तो इस और गेट में एक इनपुट तो कनेक्टेड ही है, ये वन हो गया, और ये वन है तो इसका आउटपुट यहाँ पर जीरो है, और ये क्या कर देगा परमानेंटली, इस एंड गेट का एक इनपुट जीरो है, तो अब इधर से भले ही आपका ये कंपैरेटर का आउटपुट कुछ भी हो, ये परमानेंटली आपका प्रोटेक्शन जो है वो ब्लॉक में पड़ा रहेगा, और इसीलिए इसको हार्मोनिक ब्लॉकिंग स्कीम कहते हैं। तो ये इसके चार जो है बेसिक इक्वेशंस है, फर्स्ट IOP ग्रेटर देन M टाइम्स I रीस्ट्रेनिंग, जो कि ये वाला है IOP शुड बी ग्रेटर देन M टाइम्स I रीस्ट्रेनिंग, और बाकी ये है कि अगर IOP K2 I2 और K4 I4 इन दोनों से ज्यादा है तभी रिले ब्लॉक नहीं करेगा, अगर IOP का मैग्नीट्यूड इससे कम हो गया तो रिले ब्लॉक कर देगा और इस केस में आपका प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी यही सेम ये जो डायग्राम है ये सेम है जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमारा स्लोप जो है, स्लोप वन है 0.2, स्लोप टू है 0.5, और ये स्लोप वन और स्लोप टू दो स्लोप क्यों यूज करते हैं हम आगे की स्लाइड में बताएंगे आपको। पिकअप करंट मान लीजिए 0.2 एम्पियर है, कि जैसे हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक है, सपोज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, तो ये पिकअप करंट है 0.2, ये स्लोप 1 है और ये हमारे पास सपोज स्लोप 2 है, तो ये हमारा है 0.2, ये फर्स्ट स्लोप है 0.2 और ये सेकंड स्लोप है 0.5, और
जो हमारे पास डिफरेंशियल करंट आया है रिले ने जो मेजर किया है वो है सपोज 0.87 एम्पियर, रीस्ट्रेनिंग करंट जो रिले ने मेजर किया है वो है 0.44, सेकंड हार्मोनिक करंट 0.3 है, फोर्थ हार्मोनिक करंट 0.02 है, परसेंटेज ऑफ सेकंड हार्मोनिक जो हमने सेटिंग रखा है वो है 20% और फोर्थ हार्मोनिक का सेटिंग रखा है 10%। अब हमें बताना है कि क्या इस केस में रिले ऑपरेट होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आप लास्ट स्लाइड आपको ने देखा हो तो K2 का मतलब क्या होता है, K2 होता है 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज सेटिंग ऑफ द हार्मोनिक्स, दैट मींस K2 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज सेटिंग ऑफ हार्मोनिक कितना है 20, तो दैट मींस 5, तो K2 हो गया 5। सिमिलरली K4 जो है वो हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 10। अब सबसे पहला कंडीशन इस रिले को क्या चेक करना है, इस रिले को चेक करना है क्या हमारे पास IOP ग्रेटर देन IPU है। तो अगर आप यहां पर देखें IOP कितना है 0.87 और IPU कितना है 0.2, तो ये तो इससे ग्रेटर देन 1 है ही, अगर ग्रेटर है तो इसका आउटपुट तो 1 आ गया, इस एंड गेट में एक आउटपुट तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन I2 हमारे पास कितना है, I2 का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है, I2 है 0.3 और K2 है 5, तो I2 इज 0.3, K2 इज 5, तो I2 K2 मींस 1.5। एंड जो हमारे पास IOP है, IOP हमारे पास कितना है, IOP है 0.87, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.5 इज ग्रेटर देन 0.87, इसका आउटपुट 1, इस और गेट का आउटपुट 1, इस और गेट का आउटपुट 1, यहाँ पर इन्वर्ट किया हुआ तो ये हो गया 0, सो रिले विल ब्लॉक एंड रिले विल नॉट ट्रिप। तो ये जनरल एक एग्जांपल था, इस टाइप से रिले सिंपली वर्क करते हैं, इंटरनल एल्गोरिदम इस टाइप से काम करता है। अब सेकंड मेथड होता है जिसमें कि हम हार्मोनिक रीस्ट्रेंट करते हैं। हार्मोनिक रीस्ट्रेंट का क्या मतलब है, हार्मोनिक रीस्ट्रेंट में सिंपली क्या होता है कि जो हमारे पास रिले है अब वो प्रोटेक्शन को ब्लॉक नहीं करता है, बल्कि जो हमारा टोटल ऑपरेटिंग करंट है वो रीस्ट्रेनिंग करंट इनटू स्लोप जो पहले था प्लस ये एडिशनल फैक्टर सेकंड हार्मोनिक्स और फोर्थ हार्मोनिक जो भी हम यूज कर रहे हैं वो एडिशनल उसके साथ ऐड होता चला जाता है। तो ये हार्मोनिक रीस्ट्रेंट के मेथड्स होते हैं। अब इंडस करंट जो होता है जनरली वो तीनों फेजेज में, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि तीनों फेजेज में इंडस करंट आएगा ही आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि इंडस करंट किसी एक फेज में हो दूसरे में ना हो या दो फेज में हो तीसरे में ना हो। इसके बेसिस पर इंडस करंट को मिटिगेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किया जाता है जिसको कि कहते हैं क्रॉस फेज ब्लॉकिंग टेक्निक्स। अब क्रॉस फेज ब्लॉकिंग टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप के क्रॉस फेज हो सकते हैं, ब्लॉकिंग मेथड हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पर फेज। पर फेज मोड में क्या होता है कि रिले जो है इंडस करंट इंडिविजुअली कैलकुलेट करता है ईच फेज में, और अगर तीनों फेज में ही उसका इंडस करंट सेटिंग से ज्यादा है तो ब्लॉक करेगा। सेकेंड मेथड होता है 2 out of 3, इसमें भी रिले इंडिविजुअली चेक करता है, लेकिन अगर किसी भी दो में, दो फेजेज में सपोज RY और YB और BR, इनमें से किसी भी दो में आपका या इसमें या इसमें या इसमें किसी में भी अगर इंडस करंट उसके सेटिंग से ज्यादा है तो रिले ब्लॉक कर लेगा। थर्ड मेथड होता है 1 out of 3, और फोर्थ मेथड होता है एवरेज सेकंड हार्मोनिक कैलकुलेट करता है और उसके बेसिस पर अप्लाई करता है कंसेप्ट को। जनरली 1 out of 3 मेथड यूज करते हैं जिसमें कि अगर किसी भी एक फेज में इंडस करंट सेटिंग से ज्यादा है तो रिले जो है परमानेंटली ब्लॉक या रीस्ट्रेन जो भी आपने मेथड यूज किया गया है उस मेथड पे स्विच हो जाता है। अब जो बायस डिफरेंशियल रिले है अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से देखें, जैसे कि अभी तक मैंने आपको बताया था, तो सबसे फर्स्ट इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है IPU। IPU हमारा इनिशियल मिनिमम इतना करंट होना चाहिए, इसके बाद ही डिफरेंशियल करंट ऑपरेट होगा। हम इससे कम या बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, जिसका रीजन ये होता है कि आपका जो सीटी रेशियो मिसमैच होता है, सीटी कैरेक्टरिस्टिक मिसमैच होता है, इसके कारण से हम जीरो नहीं रख सकते, हमें एक कुछ फिक्स वैल्यू रखना होता है। अब ट्रांसफार्मर के केस में मैग्नेटाइजिंग करंट, सीटी रेशियो, टैप चेंजर, सीटी फॉल्स करंट या सीटी सैचुरेशन, इन सभी के अलग अलग एरर को अगर हम ध्यान दें तो टोटल हमारे पास इस टाइप से टोटल एरर का एक वो बन करके आता है कि इतना टोटल मैक्सिमम एरर हो सकता है। इस मैक्सिमम एरर के बेसिस पर ही हम स्लोप डिसाइड करते हैं कि आपका एक स्लोप हो सकता है कि आपने सपोज एक ही स्लोप की बात की तो हो सकता है कि एक सिंगल स्लोप हम ऐसे रख लें, और अगर इस स्लोप के ऊपर वाले पॉइंट में कुछ भी डिफरेंशियल करंट आ रहे तो रिले ऑपरेट होगी। लेकिन इस केस में अगर हम सिंगल स्लोप रिले रखते हैं तो हो सकता है कि एक हाईएस्ट साइड में जाकर के बहुत ही हैवी थ्रू फॉल्ट के केस में या हैवी सिटी सैचुरेशन के केस में रिले अननेसेसरली ऑपरेट हो जाए, तो उससे बचने के लिए एक और सेकंड स्लोप यूज किया जाता है।
और सेकंड स्लोप जो होता है फर्स्ट स्लोप से थोड़ा हाइयर रखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन मैन्युफैक्चरर क्या रिकमेंड करता है। तो ये दो स्लोप होता है, फर्स्ट स्लोप एंड सेकंड स्लोप। फर्स्ट स्लोप आपका टैप चेंजेस एंड जो सीटी रेशियो मिसमैचेस हैं उनको टेक केयर करता है, और सेकंड स्लोप जब हाइयर थ्रू फॉल्ट करंट में सीटी सैचुरेशन को टेक केयर करता है। तो परसेंटेज डिफरेंस कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल बेस्ड ऑन द रिले डिजाइन। There is also a minimum differential current threshold before tripping without regard to restrained current. और यही वो minimum differential current है कि इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। यहाँ तक restraining current का कोई मतलब नहीं है, restraining current 5 हो, 10 हो, 20 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन differential current minimum इससे ज्यादा होना चाहिए तभी relay operate करेगी। अब minimum pickup, restrained current और characteristic slope, ये जो है ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी करता है और डिपेंड करता है आपका कौन से मेक का ट्रांसफॉर्मर है, कौन से मॉडल का ट्रांसफॉर्मर है, साथ ही साथ कौन सा प्रोटेक्शन रिले हम यूज कर रहे हैं। स्लोप स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है लेकिन जनरली कर्व किया जाता है, या मतलब इसका मतलब है कि हाइयर स्लोप यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन ऑफ परसेंटेज रेजिस्टेंस सिस्टम। ये कर्व और ये जो स्लोप है ये अलाउ करता है लार्जर परसेंटेज मिसमैच ड्यूरिंग लार्ज थ्रू करंट, जो कि हमारा सिटी सैचुरेशन के केस में भी काम आता है। तो इसी को यहाँ पर ड्रॉ किया गया, ये हमारे पास डिफरेंशियल करंट है, ये बायस करंट है, मिनिमम डिफरेंशियल पिकअप करंट ये है, स्लोप वन एंड स्लोप टू दो हमारे पास रीजंस है। अगर इस साइड में डिफरेंशियल करंट मेजर होगा तो रिले ऑपरेट करेगा, दिस इज ऑपरेट रीजन, और इस साइड में है तो रिले रीस्ट्रेन कर जाएगा। इसी को यहाँ पर जो सेम चीज पहले दिखाई वही सेम चीज है, ये ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटाइजिंग करंट, एरर ड्यू टू टैप चेंजर, सिटी रेशियो एरर, इन टोटल को देख करके टोटल एरर हो सकता है हमारा मैक्सिमम। तो हमें जो है इससे ऊपर ही रिले को ऑपरेट करना है, उसी के बेसिस पर हम स्लोप सिलेक्ट करते हैं, स्लोप वन, सेकेंड स्लोप एक और बनाते हैं सिटी सैचुरेशन को ध्यान में रखते हुए। अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन मीट हो जाता है और इधर कहीं पर फॉल्ट है तो ही रिले ऑपरेट होगी। जनरली ये हमारा फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक है, और ये फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से क्यों होता है कि अगर आप देखें आई डिफरेंशियल और आई रीस्ट्रेनिंग, अगर नॉर्मल टाइम पे बात करें, नॉर्मल डिफरेंशियल करंट अगर हम यहां पर बात करें, इसके बीच में सपोज यहां पर ट्रांसफॉर्मर है, अब इस रिले की यहां पर मैं बात करता हूं, अगर सपोज कर ले यहाँ से 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, यहाँ से भी 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो डिफरेंशियल रिले में टोटल करंट सपोज कर लीजिए ये इस टाइप से है और ये सपोज इस टाइप से, तो डिफरेंशियल रिले में टोटल डिफरेंशियल करंट अगर सपोज कर लीजिए 20 एम्पीयर है, तो रीस्ट्रेनिंग करंट आपका अगर हम आई वन प्लस आई टू बाई टू यूज करें, आई वन प्लस आई टू बाई टू, तो उसके केस में तो 10 आएगा, और अगर हम आई वन प्लस आई टू यूज करें तो उसके केस में हमारे पास 20 एम्पीयर आएगा। I1 plus I2 by 2 यूज करने का मतलब क्या है कि अगर इस केस में हम फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, आई रीस्ट्रेनिंग डिवाइडेड बाय आई डिफरेंशियल, ये हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20, दैट मींस 0.5, और 10 इनवर्स 0.5 जो भी आएगा उसके हिसाब से ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक ये ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास I1 plus I2 की बात करें, हम सीधा सीधा अगर I1 plus I2 ले जैसे सीमेंस रिले में लेते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपका अब क्या होगा 45 डिग्री पर बनेगा, क्योंकि 20 बाई 21 हो गया, तो इस टाइप से होगा। और दोनों कंडीशन में आप देखें तो इस स्लोप के तो ऊपर ही है हमारे पास, और रिले जो है आराम से ऑपरेट हो जाएगी। तो फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक कहीं भी होगा, हमारे रिले को ऑपरेट होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लास्ट एक टॉपिक बचता है सिचुएशन डिटेक्शन, और सिचुएशन डिटेक्शन की वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे अभी लेटेस्ट और सबसे एक मेथड यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है एडन स्टेबलाइजेशन मेथड। ये सीमेंस रिले के अंदर 7UT61 के अंदर यूज किया जाता है। जब हम सीमेंस रिले के प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे तब इसको फिर डिस्कस करेंगे एडन स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में बता देता हूँ, ये आपको ये तो मैंने बता ही दिया था कि ये फॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक है और ये हमारे पास स्लोप है, मिनिमम पिकअप, स्लोप वन और स्लोप टू, अगर इस साइड में कहीं पर भी है तो रिले ट्रिप करेगी। स्लोप वन को ही अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करके आगे ले जाए, और तो ये वाला हमारे पास जो रीजन है इसको कहते हैं एड ऑन स्टेबलाइजेशन रीजन सीमेंस रिले के अंदर। एड ऑन स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है, अगर आप देखें नॉर्मल करंट अगर सिस्टम में चल रहा है तो आपका रीस्ट्रेनिंग करंट इधर कहीं होगा और डिफरेंशियल करंट जो है वो क्लोज टू जीरो ऐसे कुछ चल रहा होगा, ठीक है।
ठीक है। अब मान लीजिए कहीं हाई एक्सटर्नल फॉल्ट है, हाई थ्रू फॉल्ट कंडीशन में क्या होगा, आपका रिस्टेनिंग करंट बढ़ करके इधर कहीं रहेगा। अगर मैं इस टाइप से बात करूं तो ये हमारे पास सपोज ट्रांसफार्मर है, इसके दोनों साइड का सीटी है, दोनों साइड का सीटी है, और सपोज यहां पर कहीं पर हाई थ्रू फॉल्ट का करंट है। सपोज दोनों सीटी जो है ये भी 10 किलो एम्पीयर करंट फीड कर रहा, ये भी सपोज 10 किलो एम्पीयर करंट फीड कर रहा, और ये हमारे पास सीटी रेशियो है सपोज 1000/1, ये भी सीटी रेशियो है सपोज 1000/1, दैट मींस इधर का करंट आ गया 10 एम्पीयर, इधर का करंट भी आ गया 10 एम्पीयर, और ये हमारे पास टाइप से चलेगा। रिले के अंदर आई डिफरेंशियल तो अभी जीरो है, बट आई रीस्ट्रेनिंग अगर मैं I1+I2 की बात करूं तो आई रीस्ट्रेनिंग है 20 एम्पीयर। 20 एम्पीयर आपका मतलब एक हाई वैल्यू है और वो कहीं पर इस टाइप से करंट बना हुआ रहेगा। अब सपोज कर लीजिए किसी कारण से ये इस हाई थ्रू फॉल्ट में एक ये सिटी आपका सेचुरेट हो गया, कोई भी एक सिटी सेचुरेट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सपोज कर ले ये सिटी सेचुरेट हो गया। जैसे ये सिटी सेचुरेट होगा तो अब इसका आउटपुट करंट 10 एम्पीयर ना आकर के आपको सपोज आएगा 1 एम्पीयर और 2 एम्पीयर और 3 एम्पीयर कुछ भी आ गया। इस केस में अब क्या होगा, हमारे पास जो रीस्ट्रेनिंग करंट है वो अब कम होगा। अब रीस्ट्रेनिंग करंट कितना हो गया, सपोज अगर ये सेचुरेशन होने के कारण से इसका आउटपुट आ रहा है 2, तो अब आ गया हमारे पास ये रीस्ट्रेनिंग करंट 12 एम्पीयर और डिफरेंशियल करंट आ जाएगा अब 8 एम्पीयर। जैसे ये कंडीशन बनेगा तो अब क्या होगा, रीस्ट्रेनिंग करंट जो इनिशियल वैल्यू ये था उससे थोड़ा कम होगा, सपोज यहाँ कहीं आ गया, और डिफरेंशियल करंट बढ़ करके यहाँ कहीं आ गया। अब रिले अचानक से आपका नॉन ऑपरेटिंग जोन से ऑपरेटिंग जोन में आ रहा है। जैसे ही रिले अचानक से नॉन ऑपरेटिंग जोन से ऑपरेटिंग जोन में आता है एक हाई रीस्ट्रेनिंग करंट के बाद, तो रिले जो 7UT रिले है वो इसको डिटेक्ट करता है कि ये आपका सेचुरेशन का केस है, सिटी सेचुरेशन का केस है, और इस केस में डिपेंडिंग अपॉन आपने सेटिंग कितना रखा है, कितना टाइम डिले रखा है, उतनी देर तक ये प्रोटेक्शन जो है वो ब्लॉक रहता है और प्रोटेक्शन काम नहीं करता है, जो कि मेनली जिसका की पर्पज यही है कि अगर आपका हाई थ्रू फॉल्ट के केस में सिटी सेचुरेट हो रहा है तो वहां पर हमें रिले को ऑपरेट नहीं करना है। और वो डिटेक्ट कैसे करता है कि अगर इनिशियली हाई रीस्ट्रेनिंग करंट आया है रिले में और उसके बाद वो रीस्ट्रेनिंग करंट, हाई रीस्ट्रेनिंग करंट के थोड़ी देर बाद रिले मूव किया है आपको ऑपरेटिंग जोन में, डिफरेंशियल करंट अचानक से बढ़ा है, तो अज्यूम कर लेता है कि सिटी सेचुरेट हो गया है और उस केस में आपका प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, हम सिटी सेचुरेशन के और भी डिटेल में कंसेप्ट करेंगे आने वाले सेशंस में। होपफुली आज के सेशन में जो बताया गया है वो यहाँ तक आपको क्लियर होगा और आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये पहले ही ये सेशन बहुत लंबा हो चुका है, और आने वाले सेशन में हम कुछ और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, कुछ और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिलेटेड न्यू कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस सेशन में, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर बताए गए हैं, तो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो निसंदेह आप पूछ तो सकते हैं कभी भी कमेंट बॉक्स में, लेकिन आप पहले इसको एक दो बार आप खुद से हर एक स्लाइड को रोक करके उसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसमें स्टार्टिंग में एक चीज का यहाँ पर जो कि सबसे मेन था, आप इसको यहाँ पर क्योंकि आप दोबारा से देख सकते हैं, ये डिफरेंशियल रिले के प्रोसेसिंग्स में अंदर के मेन स्टेप्स होते हैं जिसमें कि सबसे पहला होता है नॉर्मलाइजेशन, सेकेंड होता है आई जीरो एलिमिनेशन और थर्ड होता है वेक्टर एडेप्टेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका दोनों साइड का जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो के कारण से जो सिटी का करंट है वो दोनों साइड का प्राइमरी सेकेंडरी साइड का करंट अलग अलग होगा, उसके बेसिस पे सिटी रेशियो अलग अलग होगा, तो उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं रिले एक कॉमन वैल्यूज पे जो कि पर यूनिट में आता है। फिर डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का कनेक्शन है, स्टार ग्राउंडेड डेल्टा या स्टार स्टार या स्टार डेल्टा, उसके बेसिस पर जो भी हमारा I00 सीक्वेंस करंट है उसे एलिमिनेट करता है। थर्ड वेक्टर एडाप्टेशन, जो कि हमने डिस्कस किया था कि अगर स्टार डेल्टा है तो 30° फेज शिफ्ट है या डेल्टा स्टार है तो फिर 30° फेज शिफ्ट है, स्टार स्टार में कोई फेज शिफ्ट नहीं है, तो उसके लिए एडाप्टेशन, क्योंकि वो बहुत पुराना कंसेप्ट है जब हम बात करते थे कि स्टार साइड का सिटी डेल्टा में और डेल्टा साइड का सिटी स्टार में कनेक्ट करते हैं। आज के डेट में न्यूमेरिकल रिले में दोनों साइड में सिटी सिंपल स्टार स्टार में ही कनेक्ट होता है, बाकी जो है डिफरेंशियल रिले और न्यूमेरिकल रिले खुद ही इंटेलिजेंट रिलेज है, न्यूमेरिकल रिले वो इन सब चीजों को अंदर ही कैलकुलेट करता है, अंदर ही कंपनसेट करता है, और फिर उसी के बेसिस पे डिफरेंशियल करंट कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के सेशन में जो भी टॉपिक बताए गए हैं होपफुली आपको क्लियर होगा, और एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा।
आने वाले सेशन में हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस के प्रैक्टिकल सेशंस को देखेंगे, कुछ और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम मूव करेंगे बस पार्ट प्रोटेक्शन की तरफ। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप तो इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले सेशन में उसे और इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।